दोस्तों वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, समय आता है और चला जाता है, कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादों के साथ। साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, ऐसा ही एक समय है जब साल 2021 हमारे सामने विदा होने जा रहा है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों के साथ। आप में से ज्यादातर की शिकायत शायद ये होगी कि साल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम सबने अपने बहुत कुछ, नजदीकियों को, करीबियों को, चाहने वालों को, परिवारजनों को खोया है। हम सब ने बहुत कुछ ऐसा खोया है, किसी ने अपना करियर, किसी ने को इकोनॉमिक क्राइसिस, किसी का बिजनेस खत्म हुआ, किसी का बहुत सारी चीजें। क्या ये साल कुछ अच्छा देकर गया? दोस्तों मैं ये कहता हूं कि हमेशा हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हर परिस्थिति से निकलने का एक तरीका होता है और उसका बेस्ट तरीका है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। यानी हर वो समय, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कुछ ना कुछ सकारात्मकता अपने आप में रखता है और वो आगे देकर जाता है। सेम पॉजिटिविटी 2021 में क्या आपके साथ भी रही है? जब भी आप बैठते हैं, कोशिश करिए 2021 की उन अच्छी यादों को याद करने की, उन अच्छी यादों को जीने की जो साल आपको देकर गया। मैं अगर मेरी बात करूं, ये साल शायद कुछ चीजों में मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जैसे मेरी मॉर्निंग वॉक दोबारा शुरू हुई, मेरा मॉर्निंग क्रिकेट क्लब दोबारा जीवित हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं ये दोबारा पुनर्जीवित हुआ, मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ के बहुत से नए आयाम शुरू हुए, कई चीजों में जिनमें ग्रोथ लिखी हुई थी उनमें ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, मेरे फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। रिचुअल वाइज इस बार मैंने जितना लाइफ में एंजॉय किया उतना कभी नहीं किया, जितनी मैंने धार्मिक, जिसे कह सकते हैं, जो मुझे टास्क थे मेरे पूरे करने थे वो कभी पूरे नहीं हुए। मैं इस 2019 और 20 के कोविड के बाद, 2021 के कोविड के बाद आपके सामने जिंदा बैठा हूं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, हर समय में चाहे वो कितना बुरा क्यों ना हो, आपके लिए कुछ सकारात्मकता जरूर छोड़कर जाता है। ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। साल 2022 हम सबके दरवाजे खटखटा रहा है। दोस्तों आइए 2022 का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं उन अच्छे दिनों का, स्वागत करते हैं उन पॉजिटिव बातों का जो शायद 2022 में हमारा इंतजार कर रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं साल 2021 की उन अच्छी बातों का जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आए, जिन बातों ने हमारे जीवन में कुछ सकारात्मकता के बीज बोए जो शायद हमारे 2022 को या आने वाले सालों को बहुत सुखमय और सुखद बना दे। तो दोस्तों आज 2021 के एंडिंग पर मेरा आप सभी से केवल और केवल एक कहना है कि जीवन में सकारात्मकता को कभी खत्म ना होने दें। शायद भगवान जो करता है वो कुछ अच्छे के लिए करता है। ऐसा मैं थोड़ा सा रिचुअलिस्टिक हूं, मैं भगवान पे विश्वास करता हूं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप ऐसा सोचें, लेकिन हम ये तो सोच सकते हैं कि हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है। मेरा ये सोचने का तरीका है कि शायद भगवान ने कुछ अच्छा किया, शायद भगवान ने मुझे आज ये दिन दिखाया तो कुछ अच्छे के लिए दिखाया। दोस्तों आइए अपनी एनर्जी को दोबारा समेटें, अपने सकारात्मकता को दोबारा समेटें। इस 2022 में हम इस दुनिया को कुछ सकारात्मकता लौटाएं, कुछ सकारात्मकता अपने अंदर और ढूंढें, कुछ अच्छा नवाचार करें, अपने आप को रिजुवनेट करें और 2021 को विदा करते हुए 2022 का जश्न मनाएं। नमस्कार।